गाजीपुर के हाथियाराम मठ में विजयदशमी की तैयारियां जोरों पर। 15 अक्टूबर को डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी आ रहे हैं हाथियारामपुर मठ। उनके दौरे से पहले तमाम जिम्मेदार अधिकारियों ने मठ पर पहुंचकर पूरी व्यवस्था का जायजा लिया। शारदीय नवरात्रि पर ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने लखनऊ में अपने आवास पर हवन यज्ञ किया और माँ दुर्गा से सबकी सुख समृद्धि आरोग्य की कामना की। शारदीय नवरात्रि का नौवा दिन आज महानवमी पर हो रही है मां सिद्धिदात्री की पूजा। महानवमी पर विशेष पूजा से होगा भक्तों का कल्याण। नवमी के दिन मिर्जापुर के विध्यांचल मंदिर में भक्तों का लगा तांता। प्रशासन ने सुरक्षा के मद्देनजर कड़े इंतजाम किए। संगम नगरी प्रयागराज में भी पूरी आस्था और श्रद्धा के साथ मनाई जा रही शारदीय नवरात्र की महानवमी। इस मौके पर शक्तिपीठ अलोप शंकरी समेत दूसरे देवी मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़, श्रद्धालुओं में खासा उत्साह। गाजियाबाद के डासना देवी मंदिर में सुबह से महानवमी पर पूजा अर्चना के लिए पहुंच रहे श्रद्धालु। करीब 5000 साल पुराने इस मंदिर में भगवान शिव, नौ दुर्गा, सरस्वती, हनुमान की मूर्ति स्थापित है। नवरात्रि पर लखनऊ से सटे बख्शी का तालाब इलाके में मौजूद चंद्रिका देवी मंदिर में दर्शन के लिए पहुंच रहे श्रद्धालु। मां सिद्धिदात्री की पूजा कर आशीर्वाद मांग रहे लोग। नवरात्रि में नवमी के दिन गोरखपुर के मंदिरों पर मां के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की लगी कतार। शीतला माता मंदिर से जुड़ी है भक्तों की आस्था। मां के दरबार में मनचाही मुराद मांग रहे लोग। महानवमी पर गोंडा के देवी मंदिरों में लगी भक्तों की भीड़। काली भवानी देवी मंदिर और खैरा भवानी देवी मंदिर के साथ उत्तरी भवानी देवी मंदिर में मां के दर्शन कर रहे लोग। मथुरा के कात्यायनी देवी सिद्धपीठ मंदिर में श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला लगातार जारी और लंबी लंबी कतार लगाकर माता के दर्शनों के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे भक्त। बदायूं में नवरात्रि के आखिरी दिन नगला मंदिर में उमड़ी भक्तों की भीड़। मां के दर्शन कर श्रद्धालुओं ने कमाया पुण्य। सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर पुलिस फोर्स रहा तैनात। रुद्रपुर के रामलीला मैदान में रामलीला का किया जा रहा आयोजन। काफी लोग बढ़ चढ़ कर ले रहे रामलीला में हिस्सा। प्रभु श्री राम की लीला को देखने के लिए दूर दूर से रुद्रपुर पहुंच रहे दर्शक। अयोध्या की रामलीला में सियासत का मंचन। अंगद का किरदार निभाने आए मनोज तिवारी ने छठ पूजा को लेकर अरविंद केजरीवाल पर साधा निशाना। खुद को अंगद और अरविंद केजरीवाल को रावण की दी संज्ञा। अमरोहा के थाना धनोरा में रहीम बना रहे रावण। 45 फीट का रावण जलाने की है तैयारी। बिजनौर के स्वाहिड़ी इलाके में तेज रफ्तार दो बस आपस में भिड़ी। दो दर्जन से ज्यादा यात्री हुए घायल। चार की हालत बेहद नाजुक, जिला अस्पताल में भर्ती। एटा में काली नदी में एक ही परिवार के चार सदस्य डूबे। एक को बचाया गया, बाकी तीन की तलाश जारी। पुलिस और गोताखोरों की टीम तलाश में जुटी। आगरा से हुसैन पीर की मजार पर चादर चढ़ाने आया था परिवार। हरिद्वार के सिडकुल में रैपिड मोल्डर कंपनी में लगी आग। आग के चपेट में आकर केमिकल बनाने की फैक्ट्री जलकर खाक। फायर ब्रिगेड की चार गाड़ियों ने बमुश्किल आग पर पाया काबू। आग लगने से मचा हड़कंप। गोंडा के जमनुहा गांव में जर्जर दीवार गिरने से दो बच्चों की मौत, दो गंभीर रूप से घायल। देश में एक बार फिर बढ़े कोरोना के नए मामले। 24 घंटे में 18,987 केस मिले। 246 लोगों की मौत। 24 घंटों में 19,808 लोग कोरोना से हुए ठीक। केरल में सामने आए कोरोना के 11,079 नए मामले। 123 मरीजों की जान गई। देश में कोरोना के एक्टिव केस घटकर 2,06,586 हैं। अब तक 3,33,62,709 लोग हो चुके हैं डिस्चार्ज। वहीं 4,51,435 लोगों की हो चुकी है मौत। संक्रमण का टोटल आंकड़ा 3,40,20,730 हुआ।
बुधवार को वैक्सीन की 35,66,347 डोज दी गई। इसके बाद वैक्सीन की डोज का आंकड़ा बढ़कर 96,82,20,997 हुआ। 13 अक्टूबर तक पूरे देश में 58,76,64,525 टेस्ट हो चुके हैं। एक दिन में 13,01,083 सैंपल टेस्ट किए गए। वाराणसी के शाइन सिटी घोटाले का आरोपी आर्यन भार्गव बंगाल से गिरफ्तार। आरोपी हावड़ा में छुपकर रह रहा था एक रिश्तेदार के घर। नवद्वीप धाम से ट्रेन से लौटते वक्त पुलिस के शिकंजे में आया आरोपी।